गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जो है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सुपर क्वेश्चन है अपने पास। ये क्वेश्चन अपने पास चार स्टेप्स में पूरा होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे क्या चीज क्या होती है, क्या नहीं होती है, अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, क्या चीज फाइंड आउट नहीं करते हैं। मैंने पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से मैं आपको पूरी चीज समझा दूंगा कि इसमें अपन क्या चीज फाइंड आउट करेंगे, क्यों फाइंड आउट करेंगे, किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो आपको मैं इसे बता दूं, मैंने आपको बताया था जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होते थे अपने पास यहाँ पर, और एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हुआ करते थे। जो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हुआ करते थे उनको सोल्व करने के लिए अपन को वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के अलावा एक्स्ट्रा इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती थी। वो एक्स्ट्रा इक्वेशंस कौन सी होती थी? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, जो अपन पहले कर चुके हैं। सेकंड होता था अपने पास यहाँ पर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो ये है। इन सब के अंदर अपन को यहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना, अपन को इनमें कैलकुलेट करना है मूवमेंट। बट मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या चीज निकालनी पड़ेगी? यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने पड़ते हैं अपन को। तो उसके लिए अपन जानते हैं, जैसे इससे पहले तो अपन ने थीटा निकाला था, बट अपन यहाँ पर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बिल्कुल जरा जरा से स्टेप से मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर एक रिलेटिव स्टीपनेस, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो उसके बारे में बोल देता हूँ, जो रिलेटिव स्टीपनेस होती है उसके लिए देख लीजिएगा, रिलेटिव जो स्टीपनेस होगी अपने पास यहाँ पर, इसको अपन के से डिनोट करेंगे। ठीक, ये डिपेंड करती है अपने पास यहाँ पर सपोर्ट पर, कि अपने पास एंड पर सपोर्ट कौन सा दे रखा है, फिक्स सपोर्ट दे रखा है, हिंज सपोर्ट दे रखा है। अगर अपने पास कहीं फिक्स सपोर्ट नजर आएगा, अगर एंड पर क्या हो बेटा, कोई फिक्स सपोर्ट नजर आएगा, तो वहां पर जो के की वैल्यू होगी उस जगह वो होगी आई बाय एल। कितनी वैल्यू होगी उस जगह अपने पास? आई बाय एल। अगर अपने पास हिंज सपोर्ट होगा तो वहां पर जो के की वैल्यू होगी उस जगह वो होगी 3i/4l। यह आपको जरा सी चीज अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। अब क्या चीज कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, उस चीज के बारे में देखना। अपने पास जो क्वेश्चन दे रखा है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं, तो क्वेश्चन में दे रखा है अपन को, एक कंटिन्यूस बीम एबीसीडी कंसिस्ट ऑफ 3 स्पान एंड इज लोडेड एज शोन इन फिगर। मतलब इस तरह से कुछ दे रखी है अपने पास, एक कंटिन्यूस बीम दे रखी है जिसमें क्या है, 3 स्पान दे रखे अपने पास यहाँ पर, ए बी बी सी और सी डी करके। इन सब पर लोड लग रहा है, ए बी पर क्या लग रहा है अपने पास यहाँ पर, इस जगह यूडीएल लग रहा है 6 मीटर डिस्टेंस पर, 2 किलोन्यूटन पर मीटर का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है अपन को आई। फिर अपन बी और सी की बात करते हैं स्पान की, तो उस पर एक अनसिमेट्रिकल पॉइंट लोड लग रहा है 5 किलोन्यूटन का, 3 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस पे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है अपन को 2i। ऐसे अपन लास्ट स्पान दे रखा है यहाँ पर बेटा सी और डी, जिसमें मिड पॉइंट पर क्या लग रहा है, 8 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है अपन को इस जगह आई। अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करना है इस जगह बेंडिंग मोमेंट एंड ड्रॉ करना है अपन को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे उसके लिए देखते हुए चलना। मैं भी डायग्राम पूरी तरह मिटा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना इस जगह, बस मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं आपके लिए कि क्या कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है अपन को। ठीक, फिर मैं इसको क्वेश्चन को भी डिलीट कर दूंगा, रमल रफ कर दूंगा, तो आप इसको देखते हुए चलना। अपने पास क्या होता है बेटा, जब भी मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आता है तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास चार स्टेप्स होती है। स्टेप नंबर वन, सबसे अपन पहले निकालेंगे बेटा इस जगह फिक्स जूम एंड मूवमेंट, जो अपन ने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड था उसमें भी निकाला था अपन ने। ठीक, स्टेप नंबर टू से अपने पास चेंजेस आते हैं बेटा यहां पर। स्टेप नंबर टू में अपन निकालेंगे यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक, स्टेप नंबर थर्ड में निकालेंगे बेटा अपन यहां पर, इसे अगर मैं बात करता हूं तो स्टेप नंबर थर्ड के अंदर बेटा अपने पास यहां पर निकलेगा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड स्टेप नंबर फोर होगी बेटा अपने पास यहां पर, इस जगह डायग्राम। ठीक, क्या कह रहा हूं मैं इस जगह, फिर सुनना आप यहां पर। जो अपने पास बेटा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, इसको सोल्व करने के लिए अपने पास चार स्टेप्स होती। पहली स्टेप कौन सी होगी? फिक्स्ड एंड मूवमेंट। स्टेप नंबर टू क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्टेप नंबर थर्ड क्या होगी? मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टेप नंबर फोर क्या होगी बेटा अपने पास यहाँ पर? डायग्राम। ये कैसे अपन सोल्व करेंगे उस चीज के लिए देखते हो चलना। मैं डायग्राम रफ कर रहा हूँ, बस आप ये याद रखना है, ए बी स्पान दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है अपने पास यहाँ पर। इस पर यूडीएल लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है बेटा अपने पास यहाँ पर? 5 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है अनसिमेट्रिकल, यहाँ पर 8 किलोन्यूटन का लोड लग रहा था। बाकी मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ किसमें कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं स्टेप नंबर वन पे आऊं, तो लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको बताया था जब अपने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड किया था, तो उसमें अपने लिखा था बेटा स्टेप नंबर वन में
जब हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे थे, फिक्स्ड एंड मोमेंट जब अपन बेटा इसमें कैलकुलेट कर रहे थे अपन इस जगह, तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया था बेटा यहाँ पर स्पान ए बी। जैसे बेटा मैं ए बी स्पान की बात करूंगा तो ए बी स्पान क्या दरखा है, एक साइड फिक्स सपोर्ट, एक साइड क्या दरखा था इस तरह का कोई सपोर्ट लगा हुआ था अपने पास यहाँ पर। इस पर क्या है बेटा अपने पास क्या दरखा था यहाँ पर यूडीएल, कितना 2 किलोमीटर पर मीटर का डिस्टेंस कितनी थी बेटा इस जगह 6 मीटर, ये ए ये बी, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दरखा था बेटा अपन को आई। मैंने बोला था आपको इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिक्स बीम में। आपने बेटा इसको फिक्स बीम में कन्वर्ट किया, ये ए आ गया ये बी आ गया, यहां पर क्या हो रहा है बेटा इस जगह पूरे पे यूडीएल लग रहा है 2 किलोमीटर पर मीटर का, ठीक। ये कितना हो गया बेटा 6 मीटर हो गया अपने पास डिस्टेंस। अपन को यहाँ पर दो चीज निकालनी होती थी, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते थे बेटा अपन यहाँ पर एम एफ ए बी और एक एम एफ बी ए, ये दो चीजें बेटा अपन कैलकुलेट क्या करते थे। जो एम एफ ए बी होता था इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता था, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12, ये भी कितना होता था डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, बट इनके आगे एक साइन आता था यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव आने के पीछे रीजन होता था यहाँ अपन की डायरेक्शन, जब लोड लगेगा बेटा अपने पास यहाँ पर तो बीम क्या होगी नीचे की तरफ जाएगी अपने पास इस जगह, जब नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा इस जगह क्लॉकवाइज और इस जगह एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा मूवमेंट लगेगा। सुनना यहाँ पर पूरी चीज, एम एफ ए बी मतलब होता है फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए पर बी की वजह से। अब बी पर बेटा देखो किस तरह का यहाँ पर मूवमेंट आ रहा है इस जगह अपने पास, रोटेशन किस तरह का आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स क्या आएगा नेगेटिव साइन, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया एम एफ बी मतलब क्या हो गया बी पर ए की वजह से फिक्स्ड एंड मूवमेंट, जो क्या है बेटा यहाँ पर इसके क्लॉकवाइज है तो कितना आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा। फिर सुनना अगर मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ तो W कितना दे रखा है 2, लेंथ कितनी दे रखी बेटा 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12, कुछ हो जाएगा अपने पास यहाँ पर ही। मैं आगे बात करता हूँ बेटा अगर मैं कटपिट करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा इसके माइनस के 6 किलोमीटर मीटर, अगर मैं इस जगह चलता हूँ तो प्लस 2 × 6² / 12 मीन्स प्लस 6 किलोमीटर मीटर, कुछ ही हो जाएगा बेटा अपने पास यहाँ पर फिक्स्ड एंड मूवमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अपन आगे चलते हैं इसके आगे बेटा, तो अपन को आगे दे रखा है स्पान बीसी। जैसे बेटा मैं स्पान बीसी पर चलूंगा जैसे बेटा मैं स्पान बीसी की बात करता हूँ यहाँ पर स्पान बीसी, स्पान बीसी में क्या रखा था बेटा अपने पास यहाँ पर दो तरह के सपोर्ट दे रखे थे। यहाँ पर अनसिमेट्रिकल लोड लग रहा था 5 किलोटन का 3 मीटर पर 2 मीटर पर, ये बी है और ये सी है। मैंने आपको क्या बोला था इसको कन्वर्ट करना है बेटा किसके अंदर फिक्स में, ये बेटा मैंने इसको फिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ लोड आ गया बेटा 5 किलोटन का 3 मीटर 2 मीटर बी सी। यहाँ पे अपन बेटा दो ही चीजें निकालेंगे एम एफ बी सी और एम एफ सी बी, कुछ हो गया बेटा। मैं जैसे मैं यहाँ पर एम एफ बी सी की बात करता हूँ तो क्या आएगा अपने पास माइनस के डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्या आएगा प्लस के डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर, कुछ आएगा। मैं आगे बात करूंगा बेटा यहाँ पर डब्ल्यू कितना लगा है 5, ए कितना है बेटा अपने पास यहाँ पर ये ए होता है ये बी होता है 3 × 2² / 5² एल क्या हो गया टोटल ये माइनस के 2.4 किलोमीटर मीटर, कुछ वैल्यू आएगी बेटा अपने पास यहाँ पर ही। आगे बढ़ता हूं तो यहाँ क्या बेटा प्लस 5 × 3² / 2 / 5², ये वैल्यू आएगी प्लस के 3.6 किलोमीटर मीटर। आपको कैलकुलेशन चेक करते रहना है बेटा, मेरी तरफ से जितना मैं कर रहा हूँ सही है बेटा, आप एक बार क्रॉस चेक करके रखिएगा, ठीक। ये अपन ने क्या निकाले बेटा फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाले ए बी एम एफ ए बी एम एफ बी एम एफ ए बी एम एफ बी एम एफ बी सी और एम एफ सी बी पर। अब अपने पास क्या था लास्ट स्पान आता है सी डी, जैसे बेटा मैं लास्ट स्पान सी डी पर चलता हूं तो उसके लिए भी देखिएगा मैंने क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। स्पान सी डी, स्पान सी डी बेटा अपने पास कुछ इस तरह का दे रखा है मिड पॉइंट पर 8 न्यूटन का लोड लग रहा है, ये 2.5 मीटर डिस्टेंस से 2.5 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, ये क्या है सी और डी। मैंने क्या बोला इसको भी आप कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर बेटा इस जगह फिक्स में, तो कितना आएगा इस जगह अगर बेटा मैं इसको कैलकुलेट करता हूं यहां पर ही तो एम एफ सी डी जो आएगा वो कितना माइनस के डब्ल्यू एल अपॉन 8,
तो माइनस 8 मल्टीप्लाई एल कितना है, 5 डिवाइड बाय 8 मीन्स कितना जाएगा माइनस के 5 किलोन्यूटन मीटर। अगर बेटा मैं यहाँ से एम एफ डी सी निकालूंगा तो कितना है प्लस के डब्ल्यू एल अपॉन 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 5 किलोन्यूटन मीटर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यह अपन ने स्लोप डिप्रेशन मेथड में जो पढ़ा था सेम ऐसा ही दे रखा है अपने पास। अब मैं बेटा थोड़ा आगे चलता हूँ इसके अंदर, जो अपने नेक्स्ट स्टेप आती है जिसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्टेप नंबर 1 तो अपन ने इजीली कर ली, इसमें अपन कोई दिक्कत नहीं आई। मेन प्रॉब्लम आती है बेटा स्टेप नंबर 2 में, क्योंकि समझने के लिए समझने की जरूरत होती है बेटा अपन को यहाँ पर ही। बेटा अपन यहाँ पर स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अंदर एक टेबल बनती है अपने पास यहाँ पर ही, ठीक। इसको कहीं कहीं आपको डीएफ भी लिखा हुआ मिल सकता है, नाराज मत होना। सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं इस जगह जॉइंट की, किसकी बात करेंगे बेटा अपन यहाँ पर जॉइंट की बात करेंगे। जॉइंट क्या है क्या नहीं टेबल फॉर्म में बनेगा बेटा, टेबुलर फॉर्म होगी जॉइंट। जॉइंट के बाद आएगा बेटा यहाँ पर मेंबर, मेंबर के बाद आएगा बेटा यहाँ पर रिलेटिव स्टीपनेस, जिसको अपन के से डिनोट करते हैं। फिर आएगा बेटा सम, जो इनका सम करना है अपन को समीशन के लिखेंगे। फिर आएगा बेटा यहाँ पर डीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो होता है बेटा अपने पास के अपॉन समीशन के। अभी क्या है क्या नहीं तो देखना बेटा, अपन लोगों ने जो डायग्राम लिया था डायग्राम कुछ इस तरह का दे रखा था अपने पास। यहाँ बेटा जो बीच वाले ज्वाइंट दे रखे होते हैं, बीच वाले मेंबर भी ज्वाइंट होते हैं जिससे मोर देन टू मेंबर जुड़े हो, टू या मोर देन टू मेंबर जुड़े हो, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पर ज्वाइंट। कितने मेंबर है, दो हैं, एक तो ज्वाइंट कौन सा है बी और एक कौन सा है सी, दो ये दिख गए। अब देखो बी से कौन सा ऐड हो रहा है, एक तो बी ए और एक कौन सा ऐड हो रहा है बी सी, इसको लिख दो मेंबर को बी ए देन बी सी। अब इससे कितना बेटा सी बी देन सी डी, ये कुछ मेंबर ऐड हो रहे हैं अपने पास यहाँ पर इन ज्वाइंट से बी ए और बी सी, सी बी और सी डी कुछ मेंबर ऐड हो रहे हैं, अपन को इन्हीं को लेकर चलना है आगे। रिलेटिव स्टिफनेस की बात करता हूं तो अपन बी से खड़े होकर ए की तरफ देखेंगे, डायग्राम आपको पता है, जैसे बेटा आप बी से ए की तरफ देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा इस जगह फिक्स सपोर्ट नजर आएगा, फिक्स सपोर्ट के लिए क्या होता है आई बाई एल था अपने पास। रिलेटिव स्टिफनेस मैंने स्टार्टिंग बताई थी, आई तो आई दे रखा है और एल कितना है बी ए के लिए अपने पास बेटा इस जगह 6 दे रखा था वो लिख दिया। बी सी की बात करूंगा जो बेटा मिडिल स्पान आता है अपने पास हमेशा, उसके लिए हमेशा आई बाई एल होगा, मिडिल स्पान के लिए हमेशा क्या होगा बेटा हमेशा आई बाई एल। तो बेटा कितना होगा आई कितना दे रखा है 2i और एल कितना है बेटा वहां पर 5, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 2i/5। यहां कितना होगा बेटा ये भी सेम टू सेम होगा मिडिल स्पान है, तो ये कितना होगा बेटा यहां पर i/5, ये इधर वाला डी की तरफ वाला स्पान है ठीक। अब इन दोनों का सम कर लो यहां पर, इन दोनों का सम करेंगे बेटा अपने पास यहां पर ही, तो अपने पास कितना है 17i/30। यहां करेंगे बेटा तो कितना आएगा अपने पास बेटा इस जगह 3i/5 कुछ ही आएगा। अब आप कुछ नहीं करना, बी ए के लिए निकालोगे पहले आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो इसमें इसका डिवाइड कर देना, इसमें इसका जैसे आप डिवाइड करोगे तो बेटा अपने पास आएगा 5/17 ठीक। जैसे बेटा इसमें इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा बेटा 12/17। आप हमेशा याद रखना बेटा इन दोनों का सम होगा हमेशा वो 1 के इक्वल होगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ इक्वल टू 0.29 आएगा अपने पास यहाँ पर ही, और 0.71 होगा डिवाइड करेंगे तो अपन ठीक। इसकी बात करता हूँ बेटा मैं यहाँ पर ही, तो इस जगह आएगा बेटा अपने पास यहाँ पर ही 2/3, यह आएगा बेटा इस जगह 1/3, 2/3 होता है 0.67, ये होगा बेटा 0.33। इन दोनों का सम भी क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर अपने पास इस जगह 1 के इक्वल हो रहा है। मीन्स जिस जॉइंट की मैं बात करता हूँ, जिस जॉइंट पे अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे उस पर हमेशा सम क्या होगा 1 के इक्वल होगा। आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन आता है बेटा गेट एसएससी में आता है क्वेश्चन ही, अपने पास कहते हैं कंटिन्यूस स्पान दे रखा है उसमें बी जॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम बताइए कितना होगा, तो ऑलवेज वो कितना होगा 1 के इक्वल होगा ठीक। ये तो होगी बेटा अपने पास स्टेप नंबर 2। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप नंबर 3। अब आपको लगाना थोड़ा सा दिमाग, ध्यान रखिएगा कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे इसे ठीक। मैं पूरी चीज बताता चलता हूं बेटा अपने पास यहां पर इस जगह स्टेप नंबर 3 मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन
बेटा मैं जैसे यहाँ पर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ इस जगह में यहाँ पर ही, तो सबसे पहले बेटा अपने पास क्या था इस जगह, यहाँ पर एक टेबल बनेगी जिसमें लिखेंगे ज्वाइंट, फिर लिखेंगे बेटा यहाँ पर मेंबर, ठीक, फिर लिखेंगे बेटा यहाँ फिक्स्ड एंड मूवमेंट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फिर लिखेंगे बेटा यहाँ फिक्स्ड एंड मूवमेंट। ये टेबल थोड़ी बड़ी बनती है तो ध्यान से देखते हुए चलना, मेरे पास जगह कम रहेगी तो मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, आराम से रफ करता हुआ चलूंगा इसको, ठीक। फिर आएगा बेटा अपने पास यहाँ पर बैलेंस, फिर बैलेंस के बाद जो स्टेप्स रिपीट होंगे बताता जाऊंगा क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज बेटा अपन डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस जगह। अपने पास बेटा कभी भी अपन बात करते हैं बीम के अंदर कौन कौन ज्वाइंट दिखेंगे, अब जब पूरे ज्वाइंट लिख रहे हैं, एक तो ए ज्वाइंट है, एक बी ज्वाइंट है, एक सी ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट है अपने पास बेटा यहाँ पर कौन सा डी, कुछ ज्वाइंट दे रखा है। अब अपन यहाँ मेंबर दिखेंगे तो इस जगह ढंग से देखना आप लोग, आपको मेंबर दिखेंगे, ए से जुड़ा हुआ मेंबर कौन सा है ए बी, बी से जुड़े हुए मेंबर कौन कौन से बेटा है बी ए देन बी सी, सी से जुड़ा हुआ मेंबर कौन सा बेटा है सी बी देन सी डी, और डी से जुड़ा हुआ मेंबर कौन सा बेटा है यहाँ पर डी सी, ठीक। अपन लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बने, अगर आप लोगों ने ढंग से देखा होगा तो कि भैया जी बी ए के लिए कितना था 0.29, बी सी के लिए 0.71, अभी अपन ने निकाला है ये कितना था बेटा 0.67 और 0.33, कुछ ही निकाला था अभी अपन ने, ठीक। आगे बेटा मैं जैसे ही बढ़ता हूँ फिक्स्ड एंड मूवमेंट -6 + 6 माइनस के 2.4 प्लस के 3.6 माइनस के 5 और प्लस के 5, कुछ ही निकाला था बेटा अपन लोगों ने। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा अपने पास बिल्कुल सुपर सिंपल सी चीज, यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने का एक बिल्कुल सुपर सिंपल सा तरीका है इनका यहाँ पर ही, वो बैलेंस कैसे किया जाएगा, सबसे पहले अपने पास यह सपोर्ट कौन बी पर बैलेंस पे चलेंगे, सपोर्ट ए पर चले, सपोर्ट ए पर बेटा अपने पास क्या दे रखा है फिक्स सपोर्ट दे रखा है। जब भी फिक्स सपोर्ट आपको नजर आए तो यहाँ जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है जो ए पर ए बी फिक्स सपोर्ट है तो जो भी बेटा वहां पर क्या लग जाएगा डैश, क्या लगाएंगे उस जगह पर डैश, -6 आ रहा है तो उसके नीचे क्या आएगा डैश आएगा अपने पास, क्योंकि कोई रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा अपने पास। इसके बाद करते हैं जॉइंट बी की, जॉइंट बी पे क्या होता है बेटा इन दोनों का अपन सम करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का अपन यहाँ पर सम करेंगे, इन दोनों का आप क्या करना बेटा यहाँ पर सम करना, जैसे सम करोगे तो कितना आएगा +3.6, उस 3.6 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, जैसे बेटा मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर एक कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी अपने पास, वो वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास यहाँ पर इस जगह 1.044, क्या वैल्यू आएगी बेटा अपने पास इस जगह वैल्यू 1.044, बट यहां देखना इन दोनों को जब सम करोगे तो साइन क्या रहा है इस जगह प्लस का, प्लस 3.6 आया था तो यहां पर बेटा जो बैलेंस करेंगे उसमें जस्ट अपोजिट साइन के साथ उसको लिखना है, हमेशा क्या करना है उसको जस्ट अपोजिट साइन के साथ लिखना है, प्लस 3.6 था जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने जो आएगा उसको अपोजिट साइन के साथ अपन यहां पर लिख देंगे, सेम चीज प्लस क्या प्लस करने उसको इससे मल्टीप्लाई किया जो आएगा बेटा उसको अपन सेम टू सेम यहां पर लिख देंगे, वो वैल्यू आएगी बेटा यहां पर अपोजिट साइन में माइनस के 2.56 करके बेटा कुछ ही आएगी, 5.56 करके आ रही है, ठीक। ध्यान रखना बेटा इस जगह ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है पूरा पूरा जो आपको मुझे क्लियर होना चाहिए, सेम इसमें इन दोनों का अपन सम करेंगे, सम करने बाद वैल्यू क्या माइनस के 1.4 मींस यहां पर जो वैल्यू आएगी अपोजिट साइन के साथ आएगी मतलब प्लस में आएगी, 1.4 को 0.67 से बेटा अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास बेटा यहां पर आएगा इस जगह 3.938 प्लस क्यों है क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे उसका साइन क्या है माइनस के 1.4 उसको अपोजिट साइन के साथ लिखा है। अब इन दोनों की मैं बात करता हूं बेटा इस जगह जैसे बेटा -1.4 आया उसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर दे 0.33 से, जैसे बेटा मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस जगह तो वैल्यू जो आएगी बेटा मेरे पास यहां पर ही वैल्यू आएगी बेटा इस जगह 0.462, ठीक। यहाँ पर बेटा क्या देखा है सपोर्ट दे रखा है अपने पास इस जगह, कौन सपोर्ट दे रखा है बेटा इस जगह फिक्स सपोर्ट, तो डैश लग जाएगा अपने पास। डैश लगने के बाद यहां पर बेटा नेक्स्ट स्टेप आती है कैरियर, क्या आएगा बेटा अपने पास नेक्स्ट स्टेप कैरियर, कैरी अवर बेटा जैसे मैं कैरी अवर की बात करता हूं तो कैरी अवर में बिल्कुल सुपर सिंपल सी चीज चलती है अपने पास यहां पर ही, क्या चलता है इसका हाफ आप इधर लेकर आओ, इसका हाफ आप इधर ले लो, इसका हाफ आप इधर लो, इसका हाफ इधर कर दो, इसका हाफ इधर आएगा और इसका हाफ इधर आएगा। अपने डैश का हाफ तो डैश ही होता है तो डैश आएगा अपने पास यहां पर ही, ठीक। अपन आगे बात करते हैं इस जगह
यहाँ पे कितना है बेटा माइनस के, 1.044 का बेटा हाफ करोगे आप इस जगह तो कितना आएगा 0.522 कुछ आएगा। इस जगह बेटा अपन 0.938 का हाफ करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, अगर बेटा मैं बात करता हूँ तो इस जगह 0.469 प्लस के, इधर करूँगा बेटा मैं यहाँ पर ही इस जगह तो अपने पास क्या आएगा, अगर हाफ हाफ करोगे माइनस के 1.278। ऐसे बेटा मैं सेट हाफ करूंगा तो कितना आएगा इस जगह प्लस के 0.231 कुछ वैल्यू आएगी। फिर कैरियर करने के बाद वापस अपने स्टेप आती है यहाँ पर बैलेंस, क्या स्टेप आएगी बेटा अपने पास यहाँ पर बैलेंस। बैलेंस में क्या बोला मैंने आपको, यहाँ जो दे रखा है फिक्स सपोर्ट पे उसको डैश लिख दो, फिक्स सपोर्ट जहाँ दे रखा है उस जगह अपने डैश आएगा ठीक। फिर इन दोनों का अपन सम करेंगे, सम करने पर जो वैल्यू आएगी उसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, मेन चीज ही इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है इन चीजों से अपन को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा अपन यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने बाद जो वैल्यू आएगी उसको अपोजिट साइन के साथ अपन को यहाँ पर लिखना है। तो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा मैं इस जगह, हमारी माइनस के 0.136 इस जगह है बेटा माइनस के 0.332 ठीक। आगे चलते हैं बेटा अपन इस जगह, तो यहाँ वैल्यू आएगी बेटा नो सम करेंगे तो माइनस को प्लस के 0.856 प्लस 0.421 करीबन कुछ ही वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद अपन वापस चलेंगे कैरी ओवर पर, फिर अपन क्या करेंगे बेटा यहाँ पर कैरी ओवर, कैरी ओवर में क्या करना है अपन को इस जगह बेटा, मैंने आपको बताया इसका हाफ यहाँ पे, 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 इसका हाफ यहाँ पे कुछ ही लिखेंगे बेटा अपन इस जगह। हाफ करो डैश का हाफ तो डैश ही होता है, तो डैश कर दिया बेटा अपन ने यहाँ पर, इसका हाफ करेंगे तो बेटा कितना आएगा माइनस के 0.063 करीबन कुछ ही वैल्यू आएगी, ओ 0.068 कुछ ही वैल्यू आएगी बेटा अपने हाफ करेंगे तो ठीक। आगे अपन चलेंगे बेटा इस जगह तो अपने पास कितना आएगा डैश तो आएगा, यहाँ कितना आएगा 0.426 इस जगह बात करेंगे बेटा माइनस के 0.166 ये डैश है इस जगह, यहाँ कितना आएगा बेटा अपने पास इस जगह 0.211 करीबन बेटा कुछ ही वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ पर ही, ध्यान रखना इस चीज का। फिर इसके बाद अपन वापस क्या करेंगे बैलेंस पर जाएंगे, किस पर जाएंगे बेटा अपन अगेन यहाँ पर बैलेंस पर। बैलेंस के लिए क्या करेंगे यहाँ डैश लगा देंगे, यहाँ पर क्या होगा बेटा फिक्स सपोर्ट तरीका है डैश, वापस इन दोनों का सम करेंगे अपन जो वैल्यू आ रही है अपने पास यहाँ पर, इन दोनों का सम करके जो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर अपोजिट साइन के साथ अपन को यहाँ पर लिखना है। तो बेटा मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस के 0.123 माइनस के 0.302 यहाँ आएगा बेटा 0.111 इस जगह वैल्यू आएगी बेटा 0.054 ये कुछ आएगा बेटा अपने पास। अब फिर क्वेश्चन आता है कि सर हम इसे कहाँ तक बढ़ाएं आगे, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसे कहाँ तक बढ़ाएंगे, तो बेटा याद रखना अपने पास जब तक बैलेंस में 0.04 तक वैल्यू नहीं आ जाए या उससे छोटी वैल्यू नहीं आ जाए तो अपन करते रहेंगे, अगर 0.05 आएगा तो वापस अपन को कैरी ओवर करना पड़ेगा। अगर बैलेंस में अपन को कहीं भी 0.04 0.03 0.02 0.01 नजर आ जाएगा तो अपना क्वेश्चन वहीं अपन फिनिश कर लेंगे, फिनिश करने के बाद अपन लास्ट करेंगे इसका सम। तो आप इस चीज को देखिए एक बार फिर मैं इसके आगे और लिखता हूँ। बेटा मैंने ये पूरी टेबल दोबारा आपके लिए ड्रॉ कर दी है, इस टेबल के अंदर मैं दोबारा समझा देता हूँ कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने पास वही जॉइंट्स लिखना है, मेंबर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया, फिक्स एंड मूवमेंट हो गया, बैलेंस यहाँ तक अपन को बताएं, अपन ने कैरियर बैलेंस तक किया था। फिर बोल रहा हूँ क्या करना है अपन को, डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स एंड मूवमेंट लिखने के बाद बैलेंस जैसे ही करेंगे तो क्या करना है अपन को, सबसे पहले इन दोनों का अपन सम करेंगे, सम करने के बाद क्या करेंगे बेटा जो भी आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने जो आएगी उसको अपोजिट साइन के साथ यहाँ पर लिखना है। सेम चीज इन दोनों का सम किया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको यहाँ पर लिखेंगे विद अपोजिट साइन। फिर इन दोनों का अपन सम करेंगे, जो आएगा उसको इन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको विद अपोजिट साइन के साथ अपन यहाँ पर लिखेंगे। जैसे लिखेंगे बेटा अपने पास उसके बाद क्या करना है, कैरी ओवर पर आएंगे तो कैरी ओवर पर इसका हाफ इधर आएगा, इसका हाफ यहाँ पर आएगा, इसका हाफ इधर और इसका हाफ अपन को इधर, देन इसका हाफ अपन को इधर लिखना है और इसका हाफ इधर लिखना है अपन को। तो डैश का हाफ तो डेढ़ डैश होता है,
ठीक, इसका हाफ इधर करेंगे तो माइनस के 0.522, इसका आप कितने माइनस के 1.278, 0.604 69 करके आ गया। यहाँ हाफ करेंगे तो कितना 0.231। वापस इसके बाद क्या करना है अपन को, जो ये टर्म्स आई इन दोनों को वापस अपन को सम करेंगे, सम करने के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको विद अपोजिट साइन के साथ यहाँ पर लिखेंगे। सेम चीज यहाँ पर अपन को रिपीट करनी है हर जॉइंट पर ही, ठीक। इसके बाद वापस बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस आने के बाद अपने पास क्या करेंगे, इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर करना है अपन को। सेम चीज इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर करेंगे, फिर जो आएगा उसमें अपन को क्या करना है, ये जो वैल्यू आनी बेटा अपने पास यहाँ पर इस जगह, इनका अपन क्या करेंगे सम, सम करने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे विद अपोजिट साइन के साथ यहाँ पर लिखेंगे, जो बेटा मैं यहाँ बता रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, जो आएगा बेटा बैलेंस में उसका हाफ इधर, उसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर और इसका हाफ इधर जाएगा अपने पास। फिर अगेन क्या करेंगे बेटा अपन इन दोनों का सम करेंगे, सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपोजिट साइन के साथ अपन यहाँ पर लिखेंगे। मैंने कैलकुलेट पूरा कर रखा है बेटा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आने के बाद वापस क्या करेंगे बेटा अपन इस जगह, देखो जैसे मैंने बेटा कैलकुलेट किया तो यहाँ पर बैलेंस में अपने पास क्या आ गया 0.01। मैंने क्या बोला 0.04 छोटे आते अपन फ्री हो जाएंगे बैलेंस के बाद, छोटा आ गया अपन फ्री। इसके बाद अपन क्या करना है, सम करना है। सम में क्या होगा, फाइनल मोमेंट निकलेगा अपने पास। यहाँ पर अपन को उसको बेटा ऐड करना होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट से। कहाँ से ऐड करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट से लेके बैलेंस तक। यहाँ से बेटा जितना भी आ रहा है अपने पास विद साइन अपन ऐड करेंगे, कितना आ गया माइनस के 6.651, यहाँ क्या आ गया प्लस के 4.682, माइनस के 4.67, प्लस 4.011, माइनस के 4.023, प्लस 5। आप देखना बेटा जॉइंट्स होते हैं अपने पास यहाँ पर, इन जॉइंट्स पर जो मूवमेंट आएगा वो अप्रोक्सीमेट क्या आता है अपने पास इक्वल आएगा, ताकि अपन को दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं बेटा इसके डायग्राम के बारे में, तो डायग्राम में कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए वर्क है। मैंने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में आपको डायग्राम बनाना सिखाया था, आप उसको बनाना, बना के हमें चेक कराना, अगर आपने सही बनाते हो तो ठीक है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसके अंदर इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा कि डायग्राम में क्या है क्या नहीं, ठीक। थैंक यू बेटा।